संभाल ले, ढंग से बैठ जाओ। खून पी रखा बिल्कुल। बच्चों चुप हो जाओ। राम राम जी। अरे आजा भी डालचंद, ठीक है तू? कैसी तबीयत है तेरी? हाँ तबीयत तो ठीक है। और ढोल धो रहा है? हाँ भैया, लग रहे अपने काम धंधे में। और बता कैसा आना होया? अरे आना कैसे होया, मैं तो न्यू कहना आया था। अब घर वाले ना मान रहे, जिद कर रहे हैं, दूध की मना कर रहे हैं। तो तू दूध को मना करना है आके? अरे मने के, वे कालू और मालू नहीं मान रहे। वे कह रहे हैं जब दोनों भाइयों की तनख्वाह है तो दूध बेचना तो बंद कर दे। देख भाई डालचंद, मर्जी तो है तेरी, जोर जबरदस्ती कुछ है नहीं। मगर मैं तो एक बात कहूँ, भाइयों की तनख्वाह भाइयों की है, उसमें ना लग रहा है तेरा कुछ भी। और तेरा सारा धंधा खर्चा तो इस दूध से निकला है, इसे मत बेचना बंद करे। अरे ना ऐसी बात ना है, तू तो जाने ही है हमारे भाइयों का कितना प्यार है, हमारा तो सब कुछ सबका है। मान जा डालचंद, कद कौन बदल जावा कुछ पता नहीं चलता। तो अपने इस काम को बंद मत करे, तेरा तो जो कुछ है बस यही है। अरे ऐसी बात ना ढोलू, परिवार की गैल भी रहना पड़े, उनकी बात भी माननी पड़े। जब ये ना मान रहे तो मैं कैसे करूँगा? अबे चुप करके बैठ जाओ, दिमाग खराब कर रखा 24 घंटे तुम्हारी चक चक रहा है। ठीक है भाई डालचंद, तू ही चाह रहा ना मैं तेरे घर दूध लेने ना आने का, मगर ये सारा लंक उस भंवर सिंह ने लगाया होगा, उसी देखूंगा। अरे भंवर सिंह ने कोई लंक ना लगाया, अब तो वे घर वाले ही ना मान रहे। अब भैया तू टाली मारिए, ठीक है? आ रहा हूँ मैं, पहले इस भंवर सिंह को देखूंगा। वहाँ से आओ तो बिस्कुट लेते ही हो बालकों को। पहले तू ही पिटती दिखा मुझसे। है भाई, लगा दिए लंक, करवा दिया मेरा दूध बंद। अरे तेने मेरे पेट पे लात मारी है, पेट पे लात, और वो भी भरे पेट पे लात मारी है। और तने मेरे अकेले पेट पर लात ना मारी, मेरे 8 बच्चों के भी पेट पर लात मारी है। क्या बोल रहा तू? मैं क्यों मारूंगा बिना मतलब तेरे पेट पर लात? अच्छा बिना मतलब ही मेरा दूध बंद करवा दिया डालचंद के घर से? तेरा सारे गांव में दूध बंद हो जाता, उसकी जिम्मेदारी मेरी है के? और तेरा मनोज के यहाँ से दूध बंद हुआ, तेरा योगेश के यहाँ से दूध बंद हुआ। और देख बात सुन, मैंने तेरा बीकानेर वाला पर गजरोला दूध लगवाया, मैंने तेरा नागपाल जी के होटल मेला पे दूध लगवाया, मैंने तेरा धर्मपाल का दूध लगवाया, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और राजपाल जी के यहाँ से पैसे मैंने दिलवा दे रहे, और तू उसके बात करता फिर है? और सुन, तू भूल गया दिखा है, तेरा ब्याह भी मैंने करवाया था। अरे भैया मैं तो कहीं और जा रहा था, दूध रुकने की टेंशन से ना क्या क्या बोल गया मेरे मुंह से निकल के। भैया तू तो बहुत भला आदमी, आजा चल तुझे दूध पिलवाऊंगा। तू जरा अपनी बात ना करनी, इतना छो मत करे कर यार, तू भी बीपी का मरीज है क्या?